गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि जो क्रेटा का क्रूज कंट्रोल है वो कैसे काम करता है और उसका फंक्शनैलिटी जो होती है वो किस टाइप की होती है। तो अभी हम फिलहाल देखेंगे कि हम हैं एक्सप्रेस वे पे, आप देख सकते हैं। तो एक्सप्रेस वे जो एक हमारे बहुत सुनहरा मौका है जिसके अंदर हम अपने क्रूज कंट्रोल वगैरह चेक कर सकते हैं कि भाई हम क्रूज कंट्रोल कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल जैसे कि मेरी स्पीड चल रही है, कैमरा दिखा रहा, अभी मेरी स्पीड तो चल रही है लगभग 85 किलोमीटर की चल रही है, मोटा मोटा मेरी स्पीड तो चल रही है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको क्रूज लगाता हूँ। एक मिनट के मैं इसको क्रूज लगा के दिखाता हूँ आपको। अब मैं इस पर क्रूज लगा देता हूँ 80 पे। एक मिनट, ये मैंने इसका क्रूज, एक मिनट, क्रूज लगा दिया मैंने इसका। छोड़ दिया, आप मैं नीचे का दे सकते हैं, ये छूटा पड़ा है क्योंकि क्रूज नहीं है। अब क्रेटा के अंदर जो क्रूज कंट्रोल आता है गाइस, उसके अंदर क्या फीचर है कि यदि आप में आप और गाड़ी में क्रूज कंट्रोल देखते हो, जैसे आप कोई भी पेडल दबाते हो आपका क्रूज बंद हो जाता है। पर इस गाड़ी के अंदर क्या है कि यदि आप एक्सीलेटर दोगे तो क्रूज बंद नहीं होगा आपका। जैसे मैंने भी एक्सीलेटर दिया, मेरी स्पीड बढ़ गई, दे सकते हो आप 84 हो गई, 87 हो गई, 90 हो गई, ठीक है 92 हो गई। पर जैसे मैं देख रहा हूँ मैं आगे कुछ आ रहा है तो मैं इसको छोड़ सकता हूँ। ऑटोमेटिकली क्या होगा, मैं क्रूज 82 पे आके गाड़ी की जो स्पीड है 82 पे आके रुक जाएगी वापस। ये देखो आप, ये देखिए 82 पे मेरा ऑटोमेटिक क्रूज पे आके गाड़ी रुक गई है। अब मान ले जाए कि अब 82 पे रुक गई है, अब मैं इसके अंदर ब्रेक लगाता हूँ। देखिए आप, मैंने इसमें ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगाते मेरा क्रूज हट गया, देख सकते हो आप। आप स्पीड देखना, आप स्पीड मेरी अब कम हो जाएगी इसके अंदर, देखते जाओगे आप। जैसे कि मान लीजिए 75, 74, 73 आ गई है। अब मेरे को दोबारा क्रूज लगाना है तो मैं 80 पर जाऊंगा, स्पीड करूंगा तब लगेगा। बट इसके अंदर क्या, इसमें रिज्यूम बटन आता है, ये रिज्यूम बटन है अभी क्रूज का। मैं इसको लगा दिया, मैंने रिज्यूम कर दिया, मैं 82 पे वापस आ गया और अब ये गाड़ी ऑटोमेटिकली, मैं कुछ नहीं कर रहा, देखिए आप कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक मेरी गाड़ी जो है 82 पे आके रुक जाएगी। देखिए आप 82 पे आके रुक गई है वापस के अंदर। तो गाइस ये जो फीचर है मुझे काफी अच्छा लगा है इसके क्रूज कंट्रोल का। मैंने और भी गाड़ियां देखी है जैसे किया वगैरह की भी देखी है, तो मैंने सुना है, मैं देखा नहीं है। उसके अंदर क्या होता है कि आप कोई सा बटन दबाते हो, चाहे वो एक्सीलेटर हो चाहे वो ब्रेक हो, तो आपका ऑटोमेटिक क्रूज जो है हट जाता है। बट इसके अंदर क्या है कि यदि आप जैसे 82 की स्पीड चल रही है मेरी, मुझे देखा, मैंने देख लिया खाली है, कुछ भी नहीं है, तो मैं अपनी स्पीड एक्सीलेटर में पाँव देकर के बढ़ा सकता हूँ। ये देखिएगा, मैंने एक्सीलेटर दिया, मैं अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूँ और ये देखिए आप 87 आ गई है, 88 आ गई है, 89 हो गई है। बट मेरा क्रूज अभी 82 पे लगा हुआ है, 92 हो गया, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि भी आगे कुछ आ रहा है, बाई चांस कुछ आता है तो अब मैं चाहता हूँ मेरी स्पीड लगभग उतनी वापस हो जाए, तो मैं अपना एक्सीलेटर पाँव उठा देता हूँ। ये देखिए, मैंने एक्सीलेटर पाँव उठा दिया अपना और वापस से मेरी स्पीड 82 पे आके रुक जाएगी। ये देखिए आप 82 पे आके वापस रुक गई है अपनी, देखिए आप। तो गाइज इस वीडियो के अंदर मैं सबको ये बताना चाह रहा था कि क्रूज कंट्रोल जो है सब किस तरह से काम करता है। काफी शॉर्ट वीडियो है, ज्यादा उसके अंदर एप्लीकेशन मैंने नहीं करा है। तो काफी अच्छा फीचर है ये सेल्डेज और क्रेटा की 2020 जो है इसके अंदर ये क्रूज कंट्रोल का। और नेक्स्ट वीडियोस आती रहेगी, आप जो बताइएगा ये वीडियो आपको किस तरह से हेल्पफुल हुई है। यदि आपको इसमें कुछ भी इश्यू है, कुछ आपको कुछ क्वेश्चन लगता है, कुछ क्वेरी होती है आपकी, तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा मेरे वीडियो के अंदर। बाकी यदि वीडियो लाइक लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। थैंक यू गाइस।